हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कॉर्बेट साहब की एक और रोमांच से भरपूर कहानी लेकर। आप लोगों में से जिन्होंने भी मोती और कॉर्बेट की कहानी सुनी है, उनको उस कहानी में एक सुअर के बारे में मैंने बताया था जो मोती के खेत में आकर बार बार नुकसान कर जाता था। गाँव वालों ने कई बार इसे छर्रे वाली बंदूक से घायल किया था, लेकिन सुअर मरा नहीं। ये कहानी उसी सुअर के बारे में। आप लोगों को बता दूं, जिम कॉर्बेट ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी सेहत को वापस हासिल करने के लिए जिम कॉर्बेट और मैगी कहीं और जाना चाहते थे। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता दूं, मैगी जिम कॉर्बेट की बहन का नाम था। उन दोनों का मन भारत छोड़ो आंदोलन के बाद व्यथित रहने लगा था और भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन अपने चरम पर था। इसलिए जिम कॉर्बेट कीनिया में जाकर बसना चाहते थे। कहीं और जाने से पहले जिम कॉर्बेट ने अपने गांव के सब किसानों के परिवारों के साथ एक सभा रखी। इससे पहले भी दो बार उन्होंने ऐसी सभा बुलाई थी। जाने से पहले वो इस गांव को गांव वालों के नाम करना चाहते थे। ये गाँव जिम कॉर्बेट ने खरीदा था। उन्होंने उस सभा में गाँव वालों को उनकी जुताई की ज़मीन पर मालिकाना हक देने की पेशकश की और साथ ही अब से गांव के मुखिया का काम खुद चलाने की पेशकश की। जिम कॉर्बेट की बातें सुनकर कुछ देर तक वहां पर सन्नाटा पसरा रहा। उसके बाद गांव वालों की तरफ से मोती की बीवी और पुनवा की मां उठ खड़ी हुई और बोली, साहब आपने बिना किसी खास वजह के हमें इस सभा में बुला लिया और हमें अपना काम छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आप एक बार फिर बता रहे हैं कि हमें आपकी ज़मीन की मिल्कियत नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का सीधा मतलब यही होगा कि हम आपके लोग नहीं कहलाएंगे और आपके और हमारे बीच जो रिश्ता है उसे हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ये सब बात छोड़ो और ये बताओ साहब कि उस सुअर का क्या हुआ? वो शैतान आपकी बनवाई दीवार पर चढ़कर आया और मेरे खेत से आलू को खा गया। ये बाकी लोग तो उसे नहीं मार पा रहे हैं, जिसकी वजह से रात रात भर कनस्तर पीटकर उसे भगाते हुए मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सुअर वो सुअर नहीं था जिसका जिक्र पहले की कहानियों में मैंने किया है, बल्कि ये पहले वाले सुअर का बेटा था और सही मायनों में शैतान की औलाद था। ये सुअर बदमाशी में अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। इसके बाप का शरीर बंदूक के छर्रों से भरा हुआ था। गाँव वालों ने उसे मारने के लिए कितने प्रयास किए, कई बार उसको घायल भी किया गया, लेकिन वो हर बार बच निकला। आखिर में वो सुअर बाघ के साथ चली लड़ाई में मारा गया। अब उसके बेटे ने गांव वालों की नाक में दम कर दिया था। एक दिन जिम कॉर्बेट अपनी बहन मैगी के साथ पहाड़ की तलहटी पर बने फायर ट्रैक पर घूमने निकले थे, तभी उन्हें वो सुअर दिखाई दिया। उनके पास उनकी .275 बोर की राइफल थी। सूरज डूब चुका था और सुअर की दूरी जिम कॉर्बेट से काफ़ी दूर थी, लगभग 300 गज। लेकिन इस सुअर पर एक गोली तो चलाई ही जानी चाहिए, क्योंकि वो अभी गांव की तरफ ही जा रहा था। अगर आज उसे मारा नहीं गया तो अगले दिन फिर से उसके नुकसान करने की खबर कॉर्बेट तक पहुंचेगी। जिम कॉर्बेट ने दूरी का अंदाज़ा लगाया और राइफल को एक पेड़ का सहारा देकर ट्रिगर दबाने के लिए सही मौके का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद सुअर जब रुककर कॉर्बेट की तरफ देखने लगा, तभी सही मौका पाकर जिम कॉर्बेट ने गोली चला दी। गोली चलते ही सुअर एक गड्ढे में कूदा और दूसरे किनारे पर निकलकर पूरी रफ्तार से भागने लगा। मैगी ने कॉर्बेट से पूछा, क्या तुम्हारा निशाना चूक गया? दूरी के अंदाजे में गलती होने के अलावा कोई ऐसी वजह नहीं थी कि जिससे जिम कॉर्बेट का निशाना चूक गया। खैर, सुअर उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। फिलहाल घर जाने का वक्त हो चुका था और जिस रास्ते उन लोगों को जाना था उसी रास्ते पर वो सुअर भी कुछ देर पहले खड़ा था जब उस पर गोली दागी गई थी। जिम कॉर्बेट अपनी गोली का नतीजा देखने उसी रास्ते पर चल पड़े जहाँ से सुअर गड्ढे में कूदा था। वहाँ उसके खुरों से ज़मीन में गहरे निशान बन गए थे और वहाँ पर खून भी मौजूद था। इसका मतलब गोली ने सुअर को घायल किया था। जिस दिशा में सुअर गया था
वहाँ से 200 गज आगे घनी झाड़ियों की पतली पट्टी थी और जिम कॉर्बेट का यह ख्याल था कि अगली सुबह उन्हें किसी झाड़ियों में वो सुअर मरा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि खून की लकीर मोटी थी। शाम के समय जख्मी सुअर को खोजना जोखिम भरा काम है और अगली सुबह उनकी बहन मैगी भी उनके साथ नहीं होगी और निशाना लगाने के लिए रोशनी भी अभी के मुकाबले ज़्यादा होगी। यही सोचकर जिम कॉर्बेट वहाँ से वापस घर की ओर चल दी। पुनवा ने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी और वो पुल पर जिम कॉर्बेट का इंतज़ार कर रहा था। जिम कॉर्बेट के पुल पर पहुँचते ही उसने आतुरता भरे अंदाज में जिम कॉर्बेट से पूछा कि उन्होंने गोली किस जानवर पर चलाई है। तब जिम कॉर्बेट ने उसे बताया कि उन्होंने गोली सुअर पर चलाई थी, जिसका कुछ खून वहाँ ज़मीन पर भी गिरा था। जिम कॉर्बेट ने कहा कि अगली सुबह वो यहाँ पर सुअर को ढूंढने आएंगे और अगर उन्हें सुअर मिल जाएगा तब वो पुनवा को बता देंगे और वो कुछ आदमियों को अपने साथ लेकर उस सुअर की लाश को उठा ले जाएगा। तब पुनवा ने जिम कॉर्बेट से पूछा, क्या मैं हवलदार को भी साथ लेते आऊँगा? ये हवलदार फौज से रिटायर आदमी था, जो साल भर पहले रिटायर होकर जिम कॉर्बेट के गांव में अपनी बीवी और दो बेटों के साथ बस गया था। जिम कॉर्बेट ने उसे अपने गांव में खेती करने के लिए ज़मीन भी दे रखी थी। इस बूढ़े हवलदार को भी सुअर के मांस की ऐसी भूख थी जो मिटाए नहीं मिटती थी। जब भी कोई सुअर मारा जाता तो ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि किसी और को भले ही गोश्त का टुकड़ा मिले या ना मिले, उस फौजी कॉन्स्टेबल को उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगली सुबह पुनवा और हवलदार पुल पर जिम कॉर्बेट का इंतज़ार कर रहे थे। जिम कॉर्बेट के आते ही वो तीनों उसी वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पिछली रात जिम कॉर्बेट ने सुअर का खून देखा था। यहाँ से आगे उन लोगों को खून की लकीर दिखाई दी, जिसके सहारे वो लोग झाड़ियों वाली पट्टी में पहुँच गए। आगे का रास्ता घनी झाड़ियों वाला था, इसलिए जिम कॉर्बेट ने अपने साथियों को झाड़ियों के किनारे पर ही छोड़ दिया, क्योंकि जख्मी सुअर खतरनाक होता है और भालू को छोड़कर सुअर ही जंगलों में पाया जाने वाला अकेला ऐसा जानवर है जिसे इंसान को चीरफाड़ डालने की गंदी आदत होती है। इसलिए जख्मी सुअर से, खास तौर पर बड़े दांत वाले सुअर से, बड़े अदब से पेश आने की ज़रूरत होती है। जिम कॉर्बेट ने जहाँ सोचा था वहाँ पर सुअर रुक तो गया था, लेकिन मरा नहीं था। रात भर सुअर वहीं रहा था और सुबह होते ही उस जगह से निकल गया था। जिम कॉर्बेट उस झाड़ी से बाहर निकला और जब वो लोग फिर से सुअर की तलाश में उसके ताजे खून की लकीर के सहारे आगे बढ़ चले, तब खून की लकीरें उन्हें उस तरफ ले गई जिस तरफ जख्मी सुअर बढ़ रहा था। उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो पहाड़ी के आगे की तरफ बड़े जंगल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा और आगे चलकर पेड़ों के झुरमुट के पास उन्हें लकीर दिखनी बंद हो गई। जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियां हवा के झोंके से उड़ चुकी थी और उसके साथ ही उन पर पड़े खून के निशान भी गायब हो गए थे और अब उन लोगों के सामने कमर तक ऊंची एकदम सूखी घास थी। जिस तरफ से सुअर इस तरफ आया था उससे जिम कॉर्बेट को लग रहा था वो पहाड़ी के आगे वाले जंगल की तरफ गया होगा। यही सोचकर वो कमर तक ऊंची घास में घुस गए। उनके पीछे पीछे पुनवा और वो हवलदार भी था। कॉर्बेट घास में उतरने के बाद थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि घास के उस पार सुअर के निशान मिलने की उम्मीद होगी। बूढ़ा हवलदार तो थोड़ा पीछे छूट गया था, लेकिन पुनवा ठीक उनके पीछे चल रहा था। अभी वो घास में थोड़ा ही चले थे कि जिम कॉर्बेट की जुराब एक छोटी सी झाड़ी के कांटों में उलझ गई और कॉर्बेट झुककर अपनी जुराबों को कांटों से छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे। तभी कांटों से बचने के लिए पुनवा जिम कॉर्बेट के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया और जिस पल जिम कॉर्बेट कांटों को अलग कर सीधा खड़े हुए, उसी पल सुअर एकदम तेजी से पुनवा पर टूट पड़ा। पुनवा ने सफ़ेद कमीज पहनी थी। उस वक्त जिम कॉर्बेट ने वही किया जिसकी सलाह वो खतरनाक शिकार पर अपने साथ जाने वाले साथियों को हमेशा देते थे। उन्होंने फुर्ती से बंदूक की नली आसमान की तरफ की और फायर झोंकते हुए गला फाड़कर चिल्ला दी, यदि
उनकी जुराबें कांटों में नहीं फंसी होती और एक सेकंड का छोटा सा हिस्सा उन्हें इस चक्कर में गंवाना नहीं पड़ता तो सब कुछ एकदम शांति से बढ़िया ढंग से निपट गया होता। क्योंकि तब पुनुआ पर सुअर के लपकने से पहले ही जिम कॉर्बेट उसे मार डालते, लेकिन अब सुअर पुनुआ को अपनी जद में ले चुका था और कॉर्बेट के पास एक ही तरीका बचा था कि जैसे भी हो वो सुअर का ध्यान भटका दें। यदि वो पुनुआ की तरफ फायर करते तो शायद उसकी जान ज़्यादा बड़े खतरे में पड़ जाती। क्या अब तक गोली सुअर के बजाय पुनुआ को लग जाती, इसलिए उन्होंने हवाई फायर किया था। जब जिम कॉर्बेट की गोली जंगल में कम से कम 1 किलोमीटर दूर कहीं गिरने के लिए नाल से बाहर निकल रही थी, उसी समय पुनुआ अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था। जिम कॉर्बेट गोली दागने के बाद अपना गला फाड़कर चिल्लाए और उनकी इस हरकत का असर सुअर पर यह हुआ कि उसने पुनुआ को छोड़ा और अब जिम कॉर्बेट की तरफ दौड़ पड़ा। इससे पहले कि जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक से खाली कारतूस निकालकर उसकी जगह नया कारतूस भर पाते, उसने उन पर हमला कर दिया। राइफल से अपना हाथ हटाकर उन्होंने अपनी हथेली नीचे की, तभी सुअर का माथा उनकी हथेली से टकराया और वो एकदम रुक गया। सुअर अचानक से क्यों रुक गया? जिम कॉर्बेट कहते हैं कि सुअर अचानक से रुक क्यों गया, इसकी कोई और वजह नहीं थी सिवाय इसके कि उनके मरने का वक्त अभी नहीं आया था। ये सुअर इतना बड़ा था और इतने ज़्यादा गुस्से में था कि बड़े से बड़े जानवर को भी मज़ा चखा सकता था। फिर ना जाने क्या सोचकर सुअर पलट कर वापस भागने लगा। कॉर्बेट ने अपनी राइफल में जल्दी से कारतूस भरे और सुअर पर निशाना लगाने लगी। इससे पहले कि सुअर उनकी जद से बाहर निकल पाता, कॉर्बेट ने एक के बाद एक दो गोलियां उसके शरीर में उतार दी। दो गोली लगने के बाद सुअर वहीं चित्त हो गया। पुनुआ ने अपनी दर्द भरी चीख के बाद कोई आवाज़ नहीं की थी और ना ही कोई हरकत की थी। जिम कॉर्बेट के मन में ये बुरा ख्याल आ रहा था कि वो उसकी माँ को जाकर क्या जवाब देंगे। इससे भी ज़्यादा उन्हें इस बात का बुरा लग रहा था कि वो जिम कॉर्बेट को क्या बोलेगी। ये सोचते हुए और डर से कांपते हुए जिम कॉर्बेट पुनुआ के पास पहुँचे, जहाँ पुनुआ घास में पड़ा हुआ था। जिम कॉर्बेट मना रहे थे कि उन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुनुआ का चीरा हुआ शरीर देखने को ना मिले। वो पीठ के बल सीधा पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी, पर जिम कॉर्बेट को ये देखकर बड़ी राहत महसूस हुई कि उसके सफ़ेद कपड़ों पर खून के निशान नहीं थे। जिम कॉर्बेट ने उसे कंधे से हिलाया और उसका हाल पूछा और ये भी पूछा कि चोट कहाँ पर है। बहुत ही मरियल आवाज़ में उसने जवाब दिया कि साहब, मैं तो मर चुका हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। जिम कॉर्बेट ने उसकी टांगें फैलाकर उसे धीमे धीमे ज़मीन पर बैठा दिया और ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उनके हाथ हटाने के बाद भी पुनुआ उसी पोजीशन में बैठा रहा। जिम कॉर्बेट ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे यकीन दिलाया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है। फिर उसने खुद अपना हाथ अपनी पीठ पर फेर कर देखा ताकि उसका यकीन पुख्ता हो सके। उसकी पीठ की हड्डी सही सलामत थी। उसने सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा जहाँ पर वो लेटा हुआ था। वहाँ एक सूखी लकड़ी 2 या 3 इंच की बाहर को निकली हुई थी। जाहिर है कि जब सुअर ने उस पर हमला किया था तब वो डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा था और होश में आने पर उसे वही लकड़ी पीठ पर चुभ रही थी। उसने इस दर्द की वजह से यह नतीजा निकाला था कि उसकी कमर की हड्डी टूट गई है। इस हमले में पुनुआ और कॉर्बेट साफ साफ बच गए थे और उस शैतानी सुअर का अंत हो गया था जिसने कई सालों से उस गांव की फसलों को नुकसान पहुंचाया था। तो दोस्तों, इस तरह इस बदमाश शैतान सुअर ने मरते मरते भी जिम कॉर्बेट को इतना डरा दिया था, मारे घबराहट के उनकी जान निकल गई होती। जिम कॉर्बेट की हथेली में थोड़ा सा घाव लगा था, इसके अलावा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। पुनुआ को भी एक भी खरोच नहीं आई थी और दूसरों को सुनाने के लिए पुनुआ के पास एक मज़ेदार कहानी थी, जैसा कि एक एक्सपीरियंस्ड फौजी को करना चाहिए। हवलदार पीछे ही रहा था, लेकिन जब सुअर का बंटवारा हुआ तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा हवलदार ने ही लिया। कहानी के अंत में जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि अब पुनुआ परिवार का मुखिया था और अब उसका परिवार उस मकान में रहता है जो जिम कॉर्बेट ने उसके पिता मोती के लिए बनवाया था।
पुनवा की छोटी बहन कुंती की अब शादी हो चुकी थी और कॉर्बेट का छोटा दोस्त शेर सिंह जन्नत की खूबसूरत खुशियों भरी शिकारगाह में जिम कॉर्बेट का इंतज़ार कर रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए अलविदा।